तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोग का हमारे चैनल पे। दोस्तों फाइनली फ्लिपकार्ट के ऊपर लिस्ट हो चुका है रियलमी C3। वैसे तो मैंने आप सभी लोग को पहले अपडेट कर दिया था इसके बारे में, वैसे आप सभी लोग को एक और अपडेट दे दूं कि रियलमी C3 मैं खुद परचेज करने वाला हूं और इसका आपको लिए एक डिटेल रिव्यू अनबॉक्सिंग वगैरह सब मैं लेके आऊंगा। फर्स्ट सेल में से मैं परचेज करूंगा और उसके लिए आप वेट करें, 6 तारीख को जैसे लॉन्च होगा तो यानी कि 7-8-10 तारीख तक सेल आती है तो मैं इसका फर्स्ट सेल में परचेज करके इसका एक अनवाइज और डिटेल रिव्यू अनबॉक्सिंग वगैरह लेके आऊंगा आपके लिए। स्पेशली मैं परचेज कर रहा हूं, कुछ कमेंट डिमांड है इस वजह से मैं इसे परचेज कर रहा हूं। तो यहां दोस्तों हम बात करते हैं रियलमी C3 फाइनली लिस्ट हो चुका है फ्लिपकार्ट के ऊपर और इसकी जुड़ी डिटेल यहां पे निकल के आ चुकी है। वैसे आप खुद जाकर फ्लिपकार्ट के ऊपर चेकआउट कर सकते हैं, आपको पूरी स्पेसिफिकेशन वहां पे मिल जाएगी। यहां मैं आपको एक बार डिटेल में बता देता हूं। फोन के अंदर दोस्तों 2 कैमरे होने वाले, जो मैं आपको पहले ही बता दिया है, 12+2 मेगापिक्सल के सेंसर हो सकते हैं। वैसे तो फ्लिपकार्ट के ऊपर बस इसकी 2 फोटो यहां पे शेयर की गई है जो इसके द्वारा खींची गई है, लेकिन सेंसर के बारे में अपडेट नहीं है। यहां पे बताया जा रहा है कि आपको 12+2 मेगापिक्सल के यहां 2 सेंसर होने होंगे। अगली बात करते हैं आपको 5000 mAh की बैटरी यहाँ पे होने वाली, जो मैंने आपको पहले ही अपडेट कर दी थी। चौथी इसके प्रोसेसर की बात करें तो दोस्तों इसमें आपको मीडियाटेक का G70 देखने को मिलेगा, हीलियो, जो एक पहला फोन होगा जो आपको इस प्रोसेसर के साथ यहाँ पे आने वाला है। अगले अगर हम बात करें तो दोस्तों इस फोन के अंदर आपको देखने को मिलेगी 6.5 इंच की एक काफी बड़ी HD+ डिस्प्ले। फोन की लुक की बात करें तो दोस्तों रियलमी C2 से थोड़ा सा अलग हटके इसमें डिजाइन देखने को मिलेगी और रियलमी C2 का बैक पैनल थोड़ा अलग था, हल्का सा आपको अलग डिजाइन थी, लेकिन इसमें आपको अभी तक ऐसा कुछ नहीं है डिजाइन के मामले में, तो डिजाइन लगता है नॉर्मली यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। फोन में दोस्तों बताया जा रहा है कि इसके अंदर आपको देखने को मिलेगी 2 RAM 3 GB RAM और 4 GB RAM स्टोरेज जो होगी आपको वो भी 2 होगी, एक 32 GB और दूसरी होगी आपको 64 GB। बस यही दोस्तों जो डिटेल है फोन में आपको होने वाली है, बाकी इसकी अनबॉक्सिंग रिव्यू A to Z यहाँ पे आपकी क्वेरीज वगैरह इसकी मैं खुद अपने चैनल पे लेके आऊंगा। फोन लॉन्च होते ही इसकी पहली सेल में मैं परचेज करूंगा और आपके लिए एक डिटेल रिव्यू अनबॉक्सिंग लेके आऊंगा। तो बस ये छोटी सी अपडेट थी आप सभी लोग के लिए, तो बने रहना हमारे साथ, आपको सब्सक्राइब कर ले चैनल को, बाकी A to Z आपको डिटेल मिलती रहेगी और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी करें।